हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ ईयरली और यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनल, यानी ये कंप्यूटर का मार्क्स है और कंप्यूटर का मार्क्स है, ये हाफ ईयरली का मार्क्स है आउट ऑफ 100 और ये फाइनल ईयर का मार्क्स है। तो अभी हमें ग्रोथ रेट निकालनी है कि हाफ ईयरली से कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ फाइनल में। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है। कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में इक्वल्स टू के निशान से शुरू होता है, इक्वल्स टू लगा लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर ग्रोथ रेट पता करनी है, तो फाइनल ईयर को सेलेक्ट कीजिए और फिर माइनस कीजिए इसमें से हाफ ईयरली को, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट यहां पे अप्लाई करिएगा, ये कुछ इस तरीके से, ये हो गया, ठीक है। और इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड किससे करना है, हाफ ईयरली से, क्योंकि पहले हाफ ईयरली हुआ तो ओल्डेस्ट से आपको डिवाइड कर देना है। और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने है। अब आप कहेंगे कि ये तो पॉइंट में आ रहा है, तो आप फॉर्मेट चेंज कर लीजिए यहां से। जैसे ही आप फॉर्मेट को बदलेंगे, यहां देखिए ये परसेंटेज का फॉर्मेट दिया होगा, ये देखिए। तो जैसे ही फॉर्मेट को बदलेंगे तो आपको ग्रोथ रेट पता चल जाएगी कि कितने परसेंट ग्रो हुआ। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर 48.89% 48.89% आ रहा है। अगर यही चीज यहां पर मैं चेंज कर देता, जैसे मान लीजिए यहां पे कर देता मैं 88, तो यहां पे ग्रोथ रेट अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं, आई होप की बात समझ में आई होगी कि अगर आपको ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है या फिर ये पता करना है कि पिछली बार की एग्जाम से कितना परसेंट ज्यादा मार्क्स हासिल हुए थे, तो ये तरीका हो सकता है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं बहुत ही इजिली। आई होप की बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।